हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ मोहित अनेजा द स्टडी बीन्स की। मैं अगली वीडियो लेकर आपके सामने पेश हुआ हूँ। अल्टीमेटली मैं उन सबका पहले थैंक यू कर देता हूँ जिन्होंने हमारी बाकी सारी वीडियोस को बहुत सारा प्यार दिया है, उसे लाइक किया है, शेयर किया है, कमेंट किया है। थैंक यू सो मच फॉर ऑल दोज एफर्ट्स। और जो हमारे बिल्कुल फर्स्ट न्यू व्यूअर्स हैं, जो पहली बार हमें देख रहे हैं, तो मैं उनके लिए जल्दी से एक चीज़ बता दूं। हम YouTube पर बहुत सारी वीडियोस ऑलरेडी डाल चुके हैं, आप हमें फॉलो कर सकते हैं। हमें Instagram पे, Facebook पेज पे द स्टडी बीन्स के नाम से, इवन हम YouTube पे भी अवेलेबल हैं। आप सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारा चैनल द स्टडी बीन्स, राइट। तो आज की वीडियो के बारे में बात करते हैं। आज की वीडियो है उन हर छोटी चीज़ों के बारे में जो कि बहुत बड़े मुद्दे बना देती हैं। सबसे पहले मैं आज जो डिस्कस करने वाला हूँ वो दो ही चीज़ें हैं। वो एक ये कि जो छोटी चीज़ें हैं, एक्चुअली में वो बहुत छोटी होती हैं, लेकिन उन छोटी छोटी चीज़ों को जोड़कर एक बहुत बड़े इश्यूज़ बन जाते हैं। तो हमें जो चाहिए कि हम उन छोटी चीज़ों को उस छोटे लेवल पर रखें और उनको छोटे ही लेवल पर ख़त्म कर दें। लेकिन हम अक्सर क्या देखते हैं, बहुत सारे मेजॉरिटी ऑफ पीपल क्या करते हैं, उन छोटी चीज़ों को ओवर द लिमिट स्ट्रेच करते हैं। जितना उसकी ज़रूरत है, जितना वो बड़ी बात नहीं थी, उसको बड़ा बनाने में हमारा ही योगदान होता है। फॉर एग्जाम्पल, बच्चे से कोई चीज़ गिर गई, टूट गई, इंटेंशनली तोड़ी या नहीं तोड़ी, वो चीज़ दोबारा जुड़ नहीं सकती। तो आप क्या कर सकते हैं, आप बच्चे को बिठाकर उसको गाइड कर सकते हैं, उसके कॉन्सिक्वेंसेस बता सकते हैं, उसके नुकसान बता सकते हैं, उसके कारण बता सकते हैं, उसके कारण जान सकते हैं। लेकिन हम इतनी मेहनत नहीं करते। हम क्या करते हैं, हम सीधा चिल्लाना शुरू कर देते हैं, हम उस पे बच्चे पे बरस जाते हैं, अपना एंगर दिखाते हैं। बच्चे ने वो चीज़ तोड़ी क्योंकि वो ऑलरेडी एंग्री था, ऑलरेडी परेशान था, ऑलरेडी गुस्सा था। आपने उसमें क्या किया, बदले में आपने भी उसे और परेशानी दी, और गुस्सा दिखाया, और एंगर दिखाया, जिससे वो गुस्सा ख़त्म होने के बजाय बूस्ट हो गया, बढ़ गया। सो आपको करना क्या है, प्यार दिखाना है। गुस्से का इलाज प्यार है, गुस्से का इलाज गुस्सा नहीं है। अब कुछ पेरेंट्स यहाँ पे बोलेंगे, हमारे वाले बच्चों के बारे में इनको नहीं पता, हमारे वाले बच्चे सिर्फ गुस्से से ही सेट होते हैं। मे बी फॉर टाइम बिंग हो जाते होंगे, बट आप उनके साइकोलॉजिकल जो पैटर्न्स हैं, आप उसको समझने की कोशिश ही नहीं करते हैं। आप आसान तरीका ढूंढते हैं, आप शॉर्टकट ढूंढते हैं, आप उस पर चिल्लाते हैं, फॉर टाइम बिंग उसको सप्रेस करते हैं, लेकिन वो बहुत ही कम टाइम के लिए चीज़ सप्रेस होती है और बाद में अल्टीमेटली वो और बड़े लेवल पर निकलती है। आपको चाहिए क्या, परमानेंट सॉल्यूशंस के लिए काम करें। परमानेंट सॉल्यूशंस बेसिकली आपको करना क्या है, बच्चे के साथ टाइम स्पेंड करके उसके रीजंस पता करें। सेकंड चीज़, इवन बड़ों के लिए या बच्चों के लिए ये भी हमें समझना है, वो दूसरा कारण क्या, हम चीज़ों को जो कर देते हैं हम उसको छोड़ते नहीं हैं। वी कीप उनको साथ साथ लेकर चलते रहते हैं, उनकी डिस्कशंस में हम उसको ख़त्म नहीं होने देते हैं। एक चीज़ जो बीत गई आप उसको सही नहीं कर सकते, दैट इज़ पास्ट, दैट इज़ हिस्ट्री। उस पास्ट में हुई हुई बात को आप चेंज नहीं कर सकते, लेकिन उससे आप लर्निंग ले सकते हैं, आप उससे सीख सकते हैं कि क्या कारण रहे, व्हाट वर द रीजंस फॉर दैट पर्टिकुलर थिंग। जस्ट फ्रॉम दोज रीजंस यू नीड टू लर्न सो दैट यू शुड नॉट रिपीट इट। आप उसको रिपीट नहीं करें, आप उसको दोहराएं नहीं उस गलती को, लेकिन उसको लेकर पछतावा प्लीज़ बंद कर दें। हम अक्सर क्या करते हैं, अपनी ज़िंदगी के बहुत हसीन समय को, बहुत हसीन पलों को, खुशियों को गवा देते हैं यह सोचकर, क्योंकि कुछ पुराना, कुछ ऐसा हो जाता है जिसको हम छोड़ते ही नहीं, उसको हम साथ लिए लिए चलते हैं। ज़िंदगी के उन हसीन पलों में भी अपने प्रेजेंट को भी बर्बाद करते रहते हैं अपने पास्ट की वजह से। सो मेरी ये एक रिक्वेस्ट है, ये टिप है, सजेशन है कि अपने पास्ट को आप जो हो गया सो हो गया समझकर छोड़ें और उससे एक लर्निंग लें, उससे एक सीख लें कि व्हाई दिस हैज़ हैपन्ड, एक्सप्लोर इट, गेट टू नो द रूट्स ऑफ द रीजंस, राइट। आप उसके कारण जाने बहुत गहराई तक जाकर, ताकि आप उन कारणों को अगली बार ना दोहराते हुए सेम गलती ना करें। उससे अगर आप सीख लेते हैं तो आई थिंक वो बहुत ही अच्छा एक स्टेप होगा, और इस तरीके से आप दो चीज़ें करने के बाद अपनी ज़िंदगी में एक चेंज देखेंगे, खुद के लिए भी और अपने बच्चों के लिए भी। तो एक तो उन पर चिल्लाना बंद करें, उस चीज़ों के कारण जानना शुरू करें, और खुद के लिए भी, अपने लिए भी थोड़ा सा चेंजेस लाना शुरू करें। जो चीज़ बीत गई उसके लिए आप प्लीज़ परेशान होना बंद करें, क्योंकि वो हो गया, यू कॉन्ट चेंज इट, बट येस जो होने वाला है यू कैन थिंक ऑफ इट, यू कैन प्लान फॉर इट, एंड वट एवर इज़ गोइंग ऑन दैट प्रेजेंट, प्लीज़ एन्जॉय ईच बिट ऑफ इट। थैंक यू सो मच। प्लीज़
अपना कमेंट नीचे ज़रूर दें इस वीडियो को, अगर आप पसंद करें इतना सा भी तो इसे शेयर ज़रूर करें और लाइक ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।